हेलो फ्रेंड्स क्लास फिफ्थ के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम लेसन नंबर सिक्सटीन का प्रॉब्लम सेट फिफ्टी फाइव सॉल्व करने वाले हैं लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम सेट फिफ्टी फोर अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए ताकि इक्वालिटीज क्या होती है ये आपको पता चल जाए अगर वो पता चलेगा तो ही ये आगे का आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आज हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट 55 सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 55 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है से वेदर राइट और रॉन्ग यहाँ नीचे जो एक्सप्रेशन हमको दिए हैं वो राइट right है या रॉन्ग है ये हमको बताना है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्वेंटी थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू फोर प्लस ट्वेंटी थ्री तो हमको क्या देखना है फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आती है और सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आती है अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये जो बीच में का साइन है इक्वल टू का दैट इज राइट ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ये आता है ट्वेंटी सेवन और फोर प्लस ट्वेंटी थ्री ये भी आता है ट्वेंटी सेवन दोनों की वैल्यू सेम है दैट मीन्स ट्वेंटी थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू फोर प्लस ट्वेंटी थ्री ये राइट right है तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज राइट नाउ सेकेंड नाइन प्लस फोर इज ग्रेटर ट्वेल्व ये जो ग्रेटर साइन है जिस तरफ इसका ओपन फेस होता है उस तरफ का नंबर बड़ा होना चाहिए तो नाइन प्लस फोर की वैल्यू क्या है नाइन प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टीन तो थर्टीन इज ग्रेटर देन ट्वेल्व थर्टीन ये ट्वेल्व से बड़ा है ट मींस दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो राइट ओके नाउ थर्ड नाइन प्लस फोर इज लेस देन ट्वेल्व ये जो नाइन प्लस फोर है ये देखिए ओपन फेस जो है ट्वेल्व की तरफ है मतलब ट्वेल्व बड़ा है ऐसा यहाँ कहा गया है और नाइन प्लस फोर का जो आंसर आएगा वो छोटा है ऐसा यहाँ पे हमको बताया गया है लेकिन ये राइट है या रॉन्ग है नाइन प्लस फोर तो थर्टीन आता है तो थर्टीन इज लेस देन ट्वेल्व ये राइट है क्या नहीं दिस इज रॉन्ग तो यहां पर हम लिखेंगे रॉन्ग नाउ फोर्थ एग्जाम्पल वन थर्टी एट इज ग्रेटर देन वन थर्टी एट अब बताइए तो वन थर्टी एट और वन थर्टी एट तो इक्वल ही है तो ये ग्रेटर देन है राइट है क्या नहीं दिस इज रॉन्ग नंबर फाइव वन थर्टी एट इज लेस देन वन थर्टी एट वन थर्टी एट दोनों तरफ है मतलब ये क्या होना चाहिए यहां पर यहां पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए लेकिन इन्होंने लेस देन का साइन दिया है तो दिस इज ऑल्सो रोंग ओके नाउ सिक्स इज वन थर्टी एट इज इक्वल टू वन थर्टी एट दिस इज राइट वन थर्टी एट दोनों तरफ है तो दोनों इक्वल ही रहेंगे ओके नाउ सेवेंथ एग्जांपल, फोर इंटू सेवन इज इक्वल टू थर्टी माइनस टू दोनों साइड का आंसर निकालेंगे फोर इंटू सेवन क्या आता है ट्वेंटी एट और थर्टी माइनस टू का आंसर क्या आता है ट्वेंटी एट तो दोनों इक्वल है तो दिस इज राइट तो यहां पर लिखेंगे इट नाउ एट ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव इज ग्रेटर देन फाइव अब ट्वेंटी फाइव अप ऑन फाइव मतलब क्या है ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड करना है जब ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स ये आएगा फाइव इसका आंसर क्या आएगा यह ट्वेंटी फाइव अप ऑन फाइव का आंसर आएगा फाइव फाइव इज ग्रेटर देन फाइव तो ये राइट है क्या नहीं दिस इज रॉन्ग तो यहां पर रॉन्ग लिखेंगे नाउ नाइन्थ फाइव इंटू एट इज इक्वल टू एट इंटू फाइव फाइव और एट का जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है तो दोनों की जगह अगर हम एक्सचेंज भी कर दे तो भी सेम ही आता है एट फाइव आर फोर्टी एंड फाइव एट आर ऑल्सो फोर्टी फोर्टी इज इक्वल टू फोर्टी तो दोनों इक्वल है और यहां पर इक्वल टू का ही साइन दिया है तो ये ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया है दिस इज राइट सिक्सटीन प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो सिक्सटीन प्लस जीरो अगर हम करेंगे किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो आंसर ये खुद जो नंबर है वही आता है यहां क्या आंसर आता है यहां सिक्सटीन आंसर आता है तो सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो दिस इज रॉन्ग तो यहां पर रॉन्ग लिखेंगे नाउ नंबर इलेवन सिक्सटीन प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्सटीन सिक्सटीन में अगर आप जीरो ऐड करोगे तो आंसर सिक्सटीन ही आएगा तो सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटीन तो ये राइट right है नंबर ट्वेल्व नाइन प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व तो नाइन प्लस फोर की वैल्यू क्या आती है नाइन प्लस फोर इज थर्टीन थर्टीन इज इक्वल टू ट्वेल्व तो दिस इज रॉन्ग ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट सिंबल फ्रॉम लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हमको ये जो सिंबल्स है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू इनमें से जो सिंबल यहां पर करेक्ट रहेगा वो यूज करना है तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए फर्स्ट फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय नाइन नाइन माइनस फोर अब फोर्टी फाइव को नाइन से जब डिवाइड करना है तो नाइन का टेबल बोलिए फोर्टी फाइव आने तक नाइन फाइव आर फोर्टी तो इसका आंसर क्या आता है 5 आता है और इसका आंसर नाइन माइनस फोर का आंसर क्या आता है दिस इज ऑल्सो फाइव तो दोनों का आंसर सेम आता है इसलिए यहां पर कौन सा सिंबल आएगा यहां पर इक्वल टू का सिंबल आएगा ओके okay? तो दिस इज इक्वल टू नाउ सेकेंड एग्जाम्पल सिक्स प्लस वन बॉक्स थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन का आंसर क्या आता है सिक्स प्लस वन इज सेवन एंड थ्री इंटू टू क्या आता है ये आता है सिक्स थ्री टूज आर सिक्स अब देखिए कौन सा बड़ा है ये सेवन बड़ा है सिक्स छोटा है तो जो बड़ा है उसके साइड में ओपन फेस करना है आपको मतलब दिस इज सिक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन थ्री इंटू टू तो दिस इज द राइट सिंबल ओके नाउ थर्ड ट्वेल्व इंटू टू एंड ट्वेंटी फाइव प्लस टेन ट्वेल्व टू जार क्या आता है ट्वेल्व टू जार ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव प्लस टेन आता है थर्टी फाइव तो यहां पर ट्वेंटी फोर और थर्टी फाइव में थर्टी फाइव बड़ा है राइट तो थर्टी फाइव के तरफ ओपन फेस आएगा दैट मीन्स इसको हम कैसे पढ़ेंगे ट्वेल्व इंटू टू इज लेस देन ट्वेंटी फाइव प्लस टेन तो इसको क्या कहते हैं लेस देन तो ये था क्वेश्चन नंबर टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इन द एक्सप्रेशंस विथ द प्रॉपर नंबर्स यहां पर हमको यहां जो ब्लैंक स्पेस दी है वहां प्रॉपर नंबर फिल करना है ओके okay? तो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट वन इंटू सेवन इज इक्वल टू यहां पर बॉक्स है इंटू वन अब देखिए ये हमको इक्वल टू का साइन दिया है यहां पर दैट मींस ये वन इंटू सेवन और यहां पर जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए राइट तो सेम आंसर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर वन इंटू सेवन का आंसर आता है सेवन सेवन वन जार सेवन तो यहां पर भी हमको सेवन ही लिखना पड़ेगा तभी सेवन वन जार सेवन होगा राइट तो यहां ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा यहां आएगा सेवन ओके नाउ सेकेंड एग्जाम्पल फाइव इंटू फोर इज ग्रेटर देन इंटू फाइव इंटू फोर इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या है फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी बड़ा रहेगा राइट ट्वेंटी इज ग्रेटर देन तो यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन को तो ट्वेंटी से छोटा आंसर आपको मिलेगा ओके तो सेवन वन जा सेवन भी कर सकते हो और सेवन टू जा फोर्टीन भी कर सकते हो अगर सेवन थ्री जार आपने किया तो क्या आएगा ट्वेंटी वन आएगा तो ट्वेंटी वन बड़ा हो जाएगा लेकिन हमको तो छोटा नंबर चाहिए तो यहां पर या तो वन या तो वन या तो टू दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो तो हम यहां पर टू आंसर लिखें तो सेवन इंटू टू लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे टू सेवन टू जार फोर्टीन दैट मीन्स फोर्टीन अगर यहाँ आंसर आता है तो ट्वेंटी उससे बड़ा रहेगा राइट जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर हमने टू लिखा है नाउ थर्ड फोर्टी एट डिवाइडेड बाय थ्री इज लेस देन डैश इंटू फाइव तो सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे फोर्टी एट डिवाइडेड बाय थ्री अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है तो आप डिवीजन करके आंसर निकाल सकते हो ओके थ्री वन जार थ्री थ्री सिक्स जार ओके तो आंसर आता है सिक्सटीन ये आता है सिक्सटीन और यहां पर फाइव को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन से बड़ा आंसर आपको मिलेगा फाइव थ्री जार अगर आप करते हो तो यहां पर फिफ्टीन आता है राइट right? तो आपको फिफ्टीन तो नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा थ्री से बड़ा कोई भी नंबर यहां पर आप लिख सकते हो फाइव फोर जार अगर आप करें करेंगे तो ट्वेंटी आ जाएगा तो दिस विल बी ग्रेटर ओके तो यहाँ पे आप फोर भी लिख सकते हो फाइव भी लिख सकते हो उससे बड़ा कोई भी नंबर आप यहां पर लिख सकते हो तो यहां पर हम लिखेंगे फोर तो फोर्टी एट डिवाइडेड बाय थ्री इज लेस देन फोर इंटू फाइव ओके नाउ नेक्स्ट जीरो प्लस वन इज ग्रेटर देन फाइव इंटू डैश जीरो प्लस वन क्या आता है जीरो प्लस वन आता है वन तो वन ये बड़ा है फाइव इंटू सम फाइव को किस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन से छोटा आंसर आपको मिलेगा क्योंकि वन बड़ा है यहां पर ये इस ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उससे वन बड़ा है दैट मीन्स ये ब्रैकेट जो है इसका आंसर छोटा आना चाहिए तो यहां पर आप क्या करोगे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे फाइव इंटू जीरो करोगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा जीरो दैट मींस जीरो प्लस वन इज ग्रेटर देन फाइव इन जीरो ओके नाउ नेक्स्ट थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सेवन इज इक्वल टू डैश प्लस डैश थर्टी फाइव को सेवन से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सेवन का टेबल बोलना है आपको थर्टी फाइव आने तक सेवन फाइव आर थर्टी फाइव तो इसका आंसर आता है फाइव फाइव इज इक्वल टू डैश प्लस डैश दो नंबर आपको ऐसे फील करने हैं जिसका एडिशन आएगा फाइव तो आप वन प्लस फोर भी कर सकते हो या टू प्लस थ्री भी कर सकते हो या थ्री प्लस टू भी कर सकते हो यहां पर आपको सिर्फ आंसर फाइव लाना है ओके तो बॉक्स में क्या आएगा वन प्लस फोर नाउ नेक्स्ट सिक्स माइनस डैश इज लेस देन टू प्लस थ्री सिक्स माइनस डैश करेंगे तो टू प्लस थ्री का जो आंसर आएगा उससे छोटा आना चाहिए तो टू प्लस थ्री क्या होता है ये होता है फाइव तो फाइव बड़ा चाहिए तो सिक्स में से क्या माइनस करोगे तो फाइव से छोटा आंसर मिलेगा आपको फाइव से छोटा आंसर आपको यहां पर लाना है तो सिक्स माइनस टू अगर आप करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा फोर मिलेगा तो फोर इज लेस देन फाइव ये हो सकता है सिक्स माइनस आप थ्री भी कर सकते हो सिक्स माइनस फोर भी कर सकते हो तो यहां पर टू थ्री फोर फाइव इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है तो यहां पर सिक्स माइनस टू इज लेस देन टू प्लस थ्री ये आंसर हम लिखेंगे ओके तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सेट फिफ्टी फाइव यहीं पर खत्म होता है आई होप अलजेब्रा की ये थोड़ी बेसिक चीजें जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी अगर आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग